यो 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 भाई लोग कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग दोस्तों यार यहाँ पर बहुत बढ़िया होंगे भाई और मज़े कर रहे होंगे। स्वागत करता हूँ मैं आप सभी लोगों का दोस्तों यहाँ पर गाइज आरिश खान के हमारे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में। और दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में ना सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दोस्तों जो है दिखाना चाहूँगा। ये देखो अपना भाई यहाँ पर जो है ट्रक खड़ा है और यहाँ पर बहुत सारी इंडियन गाड़ियाँ। आज के इस वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, ट्रक जो है भाई फ्रंट से इन गाड़ियों के ऊपर जो है चढ़ने वाला है और सारी की सारी SUV व्हीकल्स यहाँ पर होने वाली है। तो भाई इस वाले चैलेंज में आज बहुत मज़ा आएगा। पिछले एपिसोड में आपने इस वाले चैलेंज में ना बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया था, तो भाई इस वीडियो में भी उतना ही प्यार चाहिए, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अब तक नहीं किया तो। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर ट्राई करते हैं टोयोटा की तरफ से आने वाली टोयोटा इनोवा क्रेटा 2.0 को। सुनाई में आता है कि ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत बढ़िया चलती है, बिल्ड क्वालिटी गाड़ी की बहुत अच्छी है। इसका मल्टीपल तरीक़ों से क्रैश टेस्ट किया जाएगा और बहुत प्यार से, ठीक है, समझ रहे हो ना। चलो सबसे पहले हम बैठते हैं इस ट्रक के अंदर। इसके ऊपर है 3-4 इम्पैक्ट मारेगा एक गाड़ी के ऊपर आज, आगे से पीछे से भी, ठीक है। चलिए पहली कार आ चुकी है अपनी। पूरी कोशिश करेगा इस गाड़ी को तोड़ने की है, किस हद तक तोड़ पाता है। पाँच 6 इम्पैक्ट तो मारेगा ही मारेगा, ठीक है। अब 2 बार आगे से मार दिया, अब एक बार पीछे से। ठीक है, मेरे हिसाब से इतना इम्पैक्ट मोर देन इनफ है। चलिए इस गाड़ी को धक्का मार के जो हम आगे लेकर चलते हैं वहाँ। चलो ऑलराइट, तो फाइनली दोस्तों मेरे हिसाब से इनोवा की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई शायद से, और मेरे ख्याल से दोस्तों बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो भी गई है। इंजन ही गाड़ी का गिर गया। मेन बात जो कार का इंजन होता है दोस्तों वही कहीं पर गिर चुका है, तो अब उससे भाई यहाँ पर क्या ही कर सकते हैं। चलो भाई साहब पीछे से भी, और कितना ज़्यादा डैमेज हुआ है दोस्तों, कितना ज़्यादा डैमेजेस आए हैं। तो गाड़ी भाई ये बिल्कुल ख़त्म कार है। इतने ज़्यादा इम्पैक्ट होने के बाद गाड़ी का इंजन गिर जाना नॉट अ गुड थिंग, बट फिर भी गाड़ी की छत ने बहुत ही ज़्यादा अपने आप को दोस्तों यहाँ पर जो संभालने की कोशिश की है, फिर भी मेरे हिसाब से तो देखो बहुत ही ज़्यादा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर हम ट्राई करते हैं महिंद्रा की तरफ से आने वाली महिंद्रा बोलेरो को। हमने भाई इसको जो यहाँ पर खड़ी कर दी है मेन रास्ते के बीच में, और मेन रास्ते के बीच में भाई गाड़ी खड़ी करने का तुम्हें पता है एक ही मकसद होता है कि भाई गाड़ी की ऐसी तैसी हो जाएगी, आज पता चलेगा। चलिए बैक करता हूँ मैं इसे। चलो सबसे पहले फ्रंट से ठुकेगी, चल भाई एक बार हो गया फ्रंट से भी, एक बार पीछे से, ठीक है। अब एक बार और फ्रंट से, ओके, तो साइड बच गई। वो उसकी किस्मत है, वो गाड़ी किस्मत है। अबे शिट ये, अबे माइकल यार बैठ गड्डी में, क्या करता है तू भी। चैलेंज के बीच में बाहर निकलना किसने कहा है घोंचू की औलाद को। चलो अंदर, बढ़िया। चलिए दोस्तों मेरे हिसाब से टोयोटा इनोवा फिर भी अच्छी है गाइस, फिर भी सही है इसके कंपैरिजन में। ये तो भाई क्या है, ये क्या है? इंजन तो इसका भी ख़त्म, बट ये गाड़ी है क्या भाई साहब? ये गाड़ी है, ये कोई गाड़ी है? छत तो देख लो इसकी कितनी ज़्यादा कमज़ोर है। इनोवा की फिर भी छत ने, पिलर्स वगैरह ने बहुत ज़्यादा मजबूती दे रखी है उसकी गाड़ी के अंदर, तो वो गाड़ी फिर भी एक बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको जो है दोस्तों प्रोवाइड कर देती है, ठीक है ना। बट हाँ, आप उस लेवल की नहीं सोच सकते हो, बट फिर भी आपको एक डिसेंट वे में जो है यहाँ पर जो है पावर की डिलीवरी वगैरह मिल जाएगी। चलिए टोयोटा फॉर्च्यूनर को ट्राई करते हैं। इस गाड़ी का तो वैसे ही बहुत ज़्यादा रुक का है भाई। ये गाड़ी तो भाई अपने आप में एक जो है लेजेंड मानी जाती है। अब लेजेंड वाली चीज़ें जो हैं क्या वो भी इस चीज़ में मैटर करती हैं, क्या वो भी चल पाएंगी या फिर नहीं, आज वो भी पता चलेगा। चलिए बैक करता हूँ 3-2-1। सह गई इनोवा। अब बैक टायर नहीं सह सकती भाई, बहुत कम गाड़ियाँ जो सह पाती हैं। क्या फॉर्च्यूनर में से एक है? अब दोबारा से फ्रंट इम्पैक्ट, ठीक है। अब लास्ट एंड फाइनल बैक, दिल इतना खुश नहीं है, सच बता रहा हूँ, दिल इतना खुश नहीं हुआ। जिस हिसाब से गाड़ी के ऊपर डैमेजेस आए ना, ये ओ भाई साहब ये देख लो, मेरे हिसाब से आग भी लग रही है इसमें, नहीं बट छत वत तो बिल्कुल ख़त्म है भाई गाड़ी की, बिल्कुल ख़त्म। टोयोटा काश फॉर्च्यूनर के ऊपर भी थोड़ा सा काम यहाँ पर कर लेता तो आज फॉर्च्यूनर की भी दोस्तों अलग ही लेवल की बातचीत होती, बट कोई बात नहीं यार, हर एक गाड़ी का अपना एक नसीब होता है। चलिए अब यहाँ पर महिंद्रा की का जो है गाड़ी आने वाली है, महिंद्रा बोलेरो इसको कहा जाता है, सॉरी महिंद्रा बोलेरो नहीं, महिंद्रा की तरफ से आने वाली महिंद्रा थार। बढ़िया, ये रोड के बीच में गाड़ियाँ ऐसी खड़ी होती हैं बस पिसने के लिए। अब तक सबसे ऊपर टोयोटा इनोवा चल रही है, बस सबसे ऊपर चल रही है अब तक, बहुत हद तक बची है वो, भले उसका इंजन नहीं रहा बट फॉर्च्यूनर ना भाई। मेन गाड़ी की जो छत होती है, ट्रक तो इसी के ऊपर को चढ़ेगा ना, अभी देखी जाएगी भाई। चल अब ठुकेगी, ये थार फेमस है इसी चीज़ के लिए, अपने जैसा और प्राणी पैदा करने के लिए। चल ठीक है, बढ़िया। अब लास्ट, चल हाँ गाड़ी के अंदर आग लग गई वो बात अलग है, वो मेरा मैटर नहीं है दोस्तों। गाड़ी के अंदर आग लग गई है या फिर गाड़ी के अंदर कुछ भी हो रहा है वो अपना मैटर नहीं है, बट इसकी छत ने काफ़ी हद तक सहा है, गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी हद तक अच्छी है और ये इनोवा से ऊपर आ चुकी है। थार अब तक की बेस्ट गाड़ी है। हाँ भाई वो बात अलग है। चल चल चल, ओके देख रहे हो कैसे चल रही है, अब भी देख रहे हो दोस्तों, थार फिर भी एक अच्छा सेगमेंट है दोस्तों। अब पहले नंबर पर दोस्तों यहाँ पर जो गाड़ी आती है वो आ चुकी है दोस्तों थार, ठीक है। अब थार आ चुकी है पहले नंबर पर, हुंडई की वेन्यू को ट्राई कर लेते हैं एक बारी। वैसे हुंडई की वेन्यू से उम्मीद है, बट जैसे हुंडई ब्रांड है ना, बिल्ड क्वालिटी के मामले में किया ये बस सेम सही है, बस इसलिए ज़्यादातर ना रिकमेंडेशन नहीं होती है, बट स्टिल फिर भी एक तरीके से चेकअप के तौर पर बढ़िया है। बढ़िया, बैक बैक बैक, चलिए करते हैं फ्रंट 3-2-1 और ज़ोर से टक्कर लगेगी। बढ़िया, अब होगी बैक, मैंने जो बोला था ना सही बोला था। इसके ऊपर तो दोबारा मेरे हिसाब से अब तक की सबसे ज़्यादा गंदी डैमेज जो हुई है 0 स्टार रेटिंग के साथ वो आती है हुंडई की तरफ से आने वाली हुंडई वेन्यू। देख तो लो क्या थी क्या बन गई, कोई तो गाड़ी है बिल्कुल रद्दी क्वालिटी है, रद्दी बिल्कुल, समझ गए आप सभी लोग। अब यहाँ पर एक बार हुंडई की तरफ से आने वाली हुंडई क्रेटा को ट्राई कर लेते हैं। अब वैसे बात तो दोस्तों हुंडई क्रेटा की भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल पर ही की जाती कि बहुत बढ़िया गाड़ी है ये वो, बट पहले नंबर पर फ़िलहाल अभी थार ही है, ठीक है ना। चलो थार को बीट कर पाना भाई मुश्किल लग रहा है हर गाड़ी के लिए, ये बहुत बड़ा है दोस्तों। ओ भाई साहब फिर भी बहुत हद तक अपनी पैनारोमिक सनरूफ की गैप की वजह से गाड़ी बहुत हद तक इसकी छत डैमेज नहीं हुई है दोस्तों, बहुत हद तक ये अपने पैसेंजर्स को बचा लेगी। सही है भाई सही है, पर स्ट्रक्चर पीछे से तो भाई बैठ सी ही गई है। हाँ, इसको भी 2 स्टार की रेटिंग ही दी जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं दोस्तों, उससे ज़्यादा ये गाड़ी जो डिज़र्व भी नहीं करती है, सिर्फ 2 स्टार की रेटिंग इज़ मोर देन इनफ। चलिए अब यहाँ पर जो बात करते हैं टोयोटा की तरफ से आने वाली फॉर्च्यूनर लेजेंडर को। बढ़िया, और मेरे हिसाब से जो गाड़ी है अपने आप में एक बहुत ही बेस्ट व्हीकल है, ठीक है ना। और आज पता चल जाएगा ये किस हद तक दोस्तों ये गाड़ी जो कितनी परसेंटेज जो गाड़ी बेस्ट है, ठीक है ना। आज बहुत अच्छे वे में चलिए बढ़िया। चलिए 3, 2, 1 चलिए, नीचे नहीं आना चाहती है, कोई बात नहीं। फ्रंट से बच भी गई तो बैक से कैसे बचेगी, और नीचे तो तुझे आना ही पड़ेगा, आएगी नहीं भाई नीचे, आना पड़ेगा, आना तो पड़ेगा। ख़त्म है दोस्तों, ख़त्म है ये भी ख़त्म है। और चलिए मैं इन दोनों गाड़ियों के ऊपर एक साथ चढ़ाने वाला हूँ इसको, फिर एक साथ रिजल्ट दिया जाएगा। भाई किया सोनेट ने बहुत हद तक सह लिया, तेरी दोस्तों किया सोनेट ने बहुत ज़्यादा हद तक सहा है। ओ भाई साहब, ओ भयंकर की, यह हल्का सा पीछे से हुआ है, बाकी सब सही है। अब पहले नंबर पर दोस्तों किया की सोनेट आ चुकी है, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर था, तीसरे पर इनोवा और फॉर्च्यूनर वगैरह तो सब गई हुई हैं। एक बारी एक गाड़ी को और देखना है, वो गाड़ी कहाँ गई, वो पड़ी है, वो तो पहले ही उल्टी हो गई, उसके अंदर थोड़ा तो चेंजेस होने चाहिए थे ना दोस्तों। जिस गाड़ी को तुम्हारा भाई ट्राई करने वाला है ये है टाटा की तरफ से आने वाली टाटा हैरियर। पर भाई टाटा हैरियर की बहुत बुरी हालत है, आप सब लोग यहीं देख पा रहे हो, बट एक मैं बात बताऊँ, बात छत की हो रही है ना दोस्तों यहाँ पर, तो मेरे हिसाब से अब पहले नंबर पर टाटा हैरियर होगी शायद से। पहले नंबर पर दोस्तों आती है टाटा की हैरियर, इतना सा भी डैमेज नहीं हुई है, जबकि उल्टा भी इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है। दूसरे पर वेन्यू सॉरी सोनेट, तीसरे पर थार, चौथे पर इनोवा। 4 गाड़ियाँ दोस्तों जो क्रैश टेस्ट जीती हैं, आपका इस बारे में क्या कहना है बात प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने तक नहीं किया है तो। बाकी मैं मिलता हूँ सबसे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों, खुश रहिए, बाय।